हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, आज है 28 जून 2022। बात करेंगे इस वीडियो पे आईटी सेक्टर का दिग्गज कंपनी विप्रो लिमिटेड के ऊपर, जिसके अंदर मेरा लगातार खरीदारी करने का राय था। इवन आज की डेट पे भी मेरा राय एकदम सेम है। दोस्तों, मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल था, शुरुआत के समय में काफ़ी नेगेटिव, एंड होते हुआ आज पॉजिटिव में। तो विप्रो के शेयर के अंदर भी सेम टू सेम रिएक्शन हमें देखने को मिला। शुरुआत के समय आज विप्रो भी थोड़ा नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद और नीचे पहुंच गया था ऑलमोस्ट 415-16 रुपए के आसपास। उसके बाद एंड होते होते शेयर के अंदर काफ़ी शानदार रिकवरी हमें देखने को मिला। खैर दोस्तों, आज बहुत सारा न्यूज़, बहुत सारा अपडेट्स है विप्रो की शेयर होल्डर के लिए, स्पेशली बहुत ही ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है ये वीडियो। तो चलिए एक एक करके बिना किसी वेट के कवर करेंगे, और उसके साथ साथ दोस्तों विप्रो की शेयर के अंदर आपका क्या आगे का रणनीति होगा उसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सारे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना बिना स्किप किए। दोस्तों, अक्सर विप्रो को लोग एक आईटी सेक्टर की कंपनी के रूप में देखता है, क्योंकि जनरली जो रेवेन्यू आता है, मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू, वो आईटी सेक्टर से ही आता है। बट बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है कि विप्रो साथ साथ कंज्यूमर सेक्टर में भी, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर करता है। तो इसके ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट आया है। तो देखिए, यहाँ पे हम इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में आ चुका हूँ। संतूर, अक्सर अपने टीवी वगैरह में ऐड देखा होगा संतूर का। संतूर बिकम 2,300 करोड़ ब्रांड। विप्रो कंज्यूमर फाइनेंशियल 23 टर्न ओवर एट 8,634 करोड़। जी हाँ दोस्तों, संतूर दोस्तों यहाँ पे बड़े बड़े दो दिग्गज कंपनी, दिग्गज ब्रांड, जिसका नाम आपने देखा होगा लक्स और उसके साथ साथ पियर्स, ये दो ब्रांड को भी पीछे छोड़ दिया। आज की डेट पे इसका जो ब्रांड वैल्यू ऑलमोस्ट 2,300 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ फाइनेंशियल 23 का जो टर्नओवर लगभग 8,634 करोड़। तो यहाँ पे हम चलिए थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, संतूर जो कि विप्रो कंज्यूमर का ही एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, हैज़ बिकम 2,300 करोड़ प्लस ब्रांड इन फाइनेंशियल 22। तो फाइनेंशियल 20 तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, तो उसका ही जो अपडेट आया है, इसका जो ब्रांड वैल्यू इतना बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ उनका जो CEO है, उनकी तरफ से ये भी बताया है कि उनका जो ये रेवेन्यू आया था, रेवेन्यू मतलब जो टोटल टर्नओवर हुआ था, वो लगभग 8,634 करोड़ का। अब साथ साथ ये भी बताया कि जैसे कि हमने देखा कि पम ऑयल बोलिए या नॉर्मल क्रूड ऑयल का प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है, रिसेंटली, तो वो लगातार हमें घटता हुआ नजर आया। तो इसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें फाइनेंशियल 23 में देखिए यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब अपडेट आया है जो कि बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्रोडक्ट यानी अपना आईटी सेक्टर के अंदर जो कि यहाँ पे फोकस नहीं कर रहा है, साथ साथ जो दूसरा कंपनी का जो सेक्टर है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेक्टर या कंज्यूमर सेक्टर, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो दोस्तों, उसी के साथ साथ और एक अपडेट दे देता हूँ आपको। जैसे कि देखिए, PLI स्कीम बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम है, PLI स्कीम फॉर वाइट गुड्स। वाइट गुड्स मतलब क्या, अभी मैं आपको बोल रहा था इलेक्ट्रिकल, तो वही दोस्तों यहाँ पे अपडेट आया। देखिए, अदानी, LG, विप्रो, 12 अदर सिलेक्टेड राउंड 2। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे विप्रो को भी सिलेक्ट किया है, विप्रो का जो इलेक्ट्रिकल सेक्टर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया है PLI स्कीम के लिए राउंड 2। तो देखिए, द गवर्नमेंट ऑन ट्यूजडे मतलब आज ही का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, यहाँ पे आप डेट वगैरह भी देख सकते हो, सिलेक्टेड 15 कंपनीज इंक्लूडिंग अदानी कॉपर ट्यूब्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बेसिकली एक जापानी कंपनी है, इंडिया के अंदर अभी कारोबार करता है, एंड विप्रो के अंदर जो विप्रो इलेक्ट्रिकल है, इसको यहाँ पे PLI स्कीम के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट किया है। लगभग 1,368 करोड़ का ये स्कीम का टोटल वैल्यूएशन है। तो डेफिनेटली दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी अपडेट है कि कंपनी को यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रहा है PLI स्कीम के थ्रू, यहाँ पे हेल्प भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये दोनों ही न्यूज़ दोस्तों अपने शेयर होल्डर के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे और एक पॉजिटिव अपडेट दे देता हूँ। जैसे कि कुछ दिन पहले ही हमने देखा था, इनका जो कंपटीटर है यानी इन्फोसिस का AGM हुआ था, ठीक वैसे ही दोस्तों विप्रो का भी AGM का जो डेट वो कंपनी डिक्लेयर कर चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 76 AGM कंपनी शेड्यूल टू बी हेल्ड ट्यूजडे 19 जुलाई 2022। तो दोस्तों, सुबह 9 बजे पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये AGM यानी एनुअल जनरल मीटिंग शुरू होगा। अब ये डेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब कंपनी का जो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, साथ साथ बड़े बड़े जो शेयर होल्डर हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि ऑलरेडी विप्रो के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, वो सारे इन्वेस्टर्स, ये सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है। AGM में दोस्तों डिस्कशन होता है कि अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर पे, मतलब अभी जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में, विप्रो का क्या टारगेट रहेगा, क्या गोल रहेगा, क्या उसका बिजनेस एक्सप्लेन के लिए यहाँ पे
कंपनी करेगा, साथ साथ जो दूसरे कंपनी के साथ पार्टनरशिप, ये सब के रिलेटेड यहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको। और उसके साथ साथ कंपनी क्या आगे बोनस देगा, स्प्लिट देगा, ये सब कुछ चीज़ भी दोस्तों आपको पता चलेगा 19 जुलाई 2022 को। तो ये डेट दोस्तों बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा कंपनी के बारे में कि आगे क्या होने जा रहा है। तो डेफिनेटली इस डे में दोस्तों जो भी अपडेट आपको मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा, मैं तुरंत आपको वीडियो के साथ शेयर कर दूंगा। आप सिंपल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके पास में प्लीज़ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों हमने ऑलरेडी देख लिया सारे जो न्यूज़, तो अभी हम बात करेंगे विप्रो की टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर बेस करके आपका आगे का क्या रणनीति हो सकता है विप्रो के शेयर के अंदर, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न के अंदर भी दोस्तों काफ़ी पॉजिटिव बात चल रहा है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो, तो जब विप्रो के शेयर के अंदर गिरावट हुआ था, एकदम से शेयर गिरा था, जो कि विप्रो का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट था 450 रुपये का लेवल, ये लेवल भी ब्रेक करके ऑलमोस्ट नीचे 400 तक शेयर पहुँच गया था। 400 में थोड़ा सपोर्ट मिला, अभी धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। मतलब अगर हम बात करें लास्ट कुछ हफ्तों से, देखिए शेयर के अंदर एक ऊपर की साइड मूवमेंट शुरू हो चुका है। बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि ऊपर की तरफ ये जो लेवल्स है, यानी जहाँ पे आज भी हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला 430 रुपये के लेवल से, 430-35 के आसपास बहुत बार यहाँ पे बस शॉर्ट पीरियड के लिए रेजिस्टेंस फेस किया। और एक पॉजिटिव अपडेट दे देता हूँ इसका, जो RS यहाँ पे आप देख सकते हो, जो MACD इंडिकेटर है, यहाँ पे भी आपको काफ़ी पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, जब शेयर के अंदर गिरावट चल रहा था तब देखिए इसका जो रेड कलर का यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैंडल्स बना हुआ है, वो देखिए नीचे की तरफ आ रहा था। उसके बाद देखिए जब शेयर के अंदर सपोर्ट मिल गया और शेयर के अंदर एंड मार्केट के अंदर भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ हमें देखने को मिला, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो कैंडल्स वगैरह ये धीरे धीरे पहले छोटा हो रहा था क्योंकि नेगेटिव में था। अभी अगर हम बात करें लास्ट कुछ दिनों से, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। और उसके साथ साथ हर एक कैंडल को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। ये कैंडल्स देखिए धीरे धीरे इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका क्लियर कट संकेत यह है कि विप्रो के अंदर अभी धीरे धीरे वॉल्यूम भी ऐड हो रहा है, उसके साथ साथ विप्रो शेयर के अंदर ऊपर की तरफ बढ़ने का ह्यूज मौका भी है। बट साथ साथ एक दिक्कत भी है, दिक्कत तो यहाँ पे हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे। क्या दिक्कत है कि ऊपर की तरफ ये जो लेवल्स है 450 रुपये का लेवल, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है विप्रो के लिए। क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें, जब शेयर के अंदर गिरावट हुआ था एकदम से शेयर नहीं गिरा था। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मई के महीने पे यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला था 450 रुपये, उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट मिला। इवन गिरावट के पहले भी हमने देखा था, एकदम से जब ये लेवल ब्रेक करके नीचे आया तो यहाँ पे कुछ दिन ऊपर जाने की कोशिश किया था, यहाँ पे देखिए बहुत बार रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद ही देखिए शेयर के अंदर लगातार नीचे की तरफ गिरावट और फाइनली यहाँ पे 400 रुपये के आसपास सपोर्ट मिल गया। अभी देखिए शेयर ऊपर की तरफ आना शुरू हो चुका है। तो लास्ट कुछ दिनों से हमने ये भी देखा है कि ये जो लेवल्स हैं 430 के आसपास, ये शेयर को मतलब विप्रो को बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला। बट साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए, इसका जो प्रीवियस यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल यानी 450 रुपये का लेवल, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। तो आपके लिए एकदम सिंपल सा रणनीति रहेगा कि विप्रो देखिए बहुत शानदार कंपनी है, लोग इसे कुछ भी बोल दे कुछ टाइम के लिए है, मानता हूँ मैं ये थोड़ा सा येस बैंक टाइप का बिहेव कर रहा था जब गिरावट हो रहा था। बट विप्रो दोस्तों एक बहुत बड़ा कंपनी है, आपको भूलना नहीं चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को भी मिल रहा है। तो जिस वजह से अभी अगर हम बात करें, अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है, तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप बाई कर सकते हो, क्योंकि लास्ट कुछ दिनों से विप्रो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है। देखिए लास्ट कुछ दिनों मतलब लास्ट कुछ हफ्तों से हमने देखा विप्रो काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है 400 रुपये के आसपास, जो कि पहले का इसका सपोर्ट लेवल था, ठीक है, एक साल पहले का। तो जिस वजह से यहाँ पे मैं आपको बाइंग का रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं, लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे आप बाई करना। वीडियो के भी वाइंड अप करता हूँ, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।